बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव में उपस्थित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री देवदत्त चंद जी, जोनल हेड श्री संजीव मेनन जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल हेड एलडीएम साहब, सभी बैंक के और जिला प्रशासन के कर्मी जो यहां पर उपस्थित हैं, और ऑडियंस में उपस्थित सभी लोगों का एवं मीडिया बंधुओं का मैं आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया जाना अपने आप में एक पहल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य बिहार में विकास का जो स्कोप है, जो पोटेंशियल है, उसमें बैंकिंग सेक्टर का उस पोटेंशियल को अचीव करने का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बैंक सी उद्योग के लिए, कृषि के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जितनी भी गतिविधियां रहती हैं उसके लिए क्रेडिट लोन जो है जो प्रोवाइड करती हैं, तो क्षेत्र के लोगों में उद्योग और जीविकोपार्जन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इसी के क्रम में आज का कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव जो है आयोजित किया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रोग्राम में आज बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जीविका को 20 करोड़ 67 लाख एवं अन्य सभी योजनाएं जैसे मुद्रा, पीएमईजीपी, ऑटो लोन और होम लोन मिलाकर लगभग 5 करोड़ 93 लाख की लोन की जो राशि है वो सैंक्शन की जा रही है, जिससे हमारे जिले के सभी जीविका से जुड़े जो दीदियां हैं, जो परिवार हैं, उनको जीविकोपार्जन के लिए जो गतिविधियां करनी है उनको करने में सहायता होगी, और जिले के सभी लोगों को जिस पर्पज के लिए, जिस भी पर्पज के लिए लोन की आवश्यकता रहती है तो वो लोन उपलब्ध होगा। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब श्री देवदत्त चांद जी का और जोनल हेड श्री संजीव मेनन जी का कि उन्होंने सीतामढ़ी में इस प्रोग्राम में आकर ना ही सिर्फ बैंकिंग से संबंधित जो कर्मी है उनका मनोबल बढ़ाया है, बल्कि पूरे जिले में इस प्रोग्राम के आयोजन से बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा दिया है। इसी संबंध में मैं अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब के साथ चर्चा कर रहा था कि हमारे राज्य में और हमारे जिला में खासकर विकास के लिए बहुत संभावनाएं हैं और उसमें बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। जोनल हेड श्री संजीव मेनन जी जानते ही होंगे कि स्टेट लेवल की जो कोऑर्डिनेशन की बैठक होती है तो उसमें हर बार इस पॉइंट पर चर्चा होती है कि जितना हमारे राज्य में बैंकिंग में सेविंग्स होती हैं
उसके प्रपोर्शन में जो क्रेडिट की जो एडवांसेस की रेशो रहती है वो बाकी राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में बहुत कम रहती है। और इस संबंध में काफ़ी गहन चर्चा पिछली दो जो मीटिंग मैंने भी अटेंड की है उसी के माध्यम से उनमें की गई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब और गुमल हेड श्री संजीव मेनन जी स्वयं सीतामढ़ी में उपस्थित हुए हैं और ये जो सिस्टेमिक इशू हम इसको बोल सकते हैं जो कम क्रेडिट टू एडवांस जो रेशो रहती है एसीपी जो रहती है उससे कम प्रतिशत होने का एक सिस्टेमिक इशू है। तो सीतामढ़ी में उनके आज इस प्रोग्राम में पार्ट लेने से इस इशू पर भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपके आने से आगे आने वाले दिनों में सीतामढ़ी जिले को भी और पूरे राज्य को भी इस डायरेक्शन में प्रगति देखने को मिलेगी और अधिक एडवांसेज और लोन्स जो है वो डिस्बर्सल देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल हेड और एलडीएम साहब को धन्यवाद देता हूं आज का प्रोग्राम आयोजित करने के लिए और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब और वुमेन हेड श्री संदीप मेनन जी दोनों को प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से हम लोग आउटरीच इनिशिएटिव्स करते रहेंगे ताकि फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल इंक्लूजन इस संबंध में जागरूकता हमारे लोगों तक पहुंचती रहे और सभी को बैंकिंग की जो गतिविधियां हैं उनका लाभ जिला में मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने अपने बहुत समय दिया।